तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गांव का एडिटर में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में छठ पूजा वाली बजटिंग करके बताने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर मैं नए नए वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आप एक अच्छी फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं। सारा PNG एवं बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसमें भी मैं यूट्यूब का वीडियो डालता हूं, उसमें भी सारा PNG एवं बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, आप सभी को आ जाना है अपनी पैक्सार्ट एप्लीकेशन में। पैक्सार्ट एप्लीकेशन में आने के बाद आपको इस वाले बैकग्राउंड को कर लेना है ऐड। इस वाले बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको जाना है टूल वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। तो आपको जाना है रिसाइज वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है 4000। जैसे ही आप 4000 टाइप करते हैं तो आपके सामने सही साइज लिख कर आ जाता है। जैसे वहाँ पर लिख कर आया था 2590, तो आपको वही टाइप करना है। इसके बाद डन पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर आपको आपको गर्ल्स वाला PNG को ऐड कर लेना है। आपका इस PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस गर्ल्स वाले PNG को कर लेना है ऐड। इसके बाद आपको जाना है इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। से ऐड फोटो पर, ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। तो आपका जिस भी फोल्डर में रखा हो तो आप अपनी फोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके रखना है। मैंने जिस वेबसाइट से अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है, उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको गर्ल्स वाली PNG पर को सिलेक्ट करना है। फिर आपको आना है फ्लिप रोटेट वाले ऑप्शन पर और जो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। फिर आपको गर्ल्स के फ़ोटो पर क्लिक करना है और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने एडजस्ट कर लिया है, तो इस फोटो को आपको करना है ऊपर। इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पर क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको पानी वाला PNG सिलेक्ट कर लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो कुछ इस तरह से पानी वाले PNG को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको पत्नियों वाला PNG सेलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इसको जूम करना है। जूम करने के बाद आपको कुछ इस तरह नीचे की तरह सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। फिर से आपको जाना है ऐड फोटो पर। फिर आपको इस पेड़ वाला PNG आपको अब आपको इस पेड़ वाले PNG को ऐड करना है। इस PNG को ऐड करने के बाद आपको इसको कुछ इस तरह जूम करके साइड में लगा लेना है। इतना करने के बाद आपको ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। फिर आपको इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपको इस साइड भी इसको लगा देना है, जैसा कि हमने लगा दिया है। फिर आपको इस पर डन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है ये वाला PNG और हैंड वाला PNG। तो दोनों को ऐड कर लिया है। इसको कुछ इस तरह जूम करेंगे, जैसे कि इसको कुछ इस तरह जूम करके इस तरह सेट कर देंगे। फिर आपको इस वाले
पीएनजी को कुछ इस तरह रूटेट कर लेना है और अपने हैंड पर इसको लगा लेना है। तो आपको कुछ एडजस्ट करके अपने हैंड पर सही से फिट कर लेना है, फिर आपको जाना है रिस्ट टूल पर और ए हिस्सा रिमूव कर देना है। तो इससे लगेगा कि आपने जैसे ब्रेसलेट पहना हो। तो इतना करने के बाद आपको करना है डन पर क्लिक, फिर डन पर क्लिक। इसके बाद आपको तिलक वाली फ़ोटो को ऐड करना होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको तिलक वाले पीएनजी को ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के बाद अपने माथे पर लगाएंगे इसको। आप एडजस्ट करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो जैसा कि मैंने अपने माथे पर लगा लिया है, इसके बाद करेंगे डन पर क्लिक। इतना करने के बाद आपको छठ पूजा वाला टेक्स्ट ऐड करना है, उसके लिए आपको जाना है ऐड फोटो पर, फिर आपको छठ पूजा वाला टेक्स्ट ऐड करना होगा। तो उसके लिए इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर सारा पीएनजी डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको इसको ऐड करना है। आपको कुछ इसको, ये जो थोड़ा पानी की जगह है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर लगा देना है। इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है और अपने इस फोटो को गैलरी में सेव करना है। इसके लिए आपको आना है ड्रा टूल पर, आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेव इमेज पर क्लिक करना है। सेव इमेज पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको इस फोटो को शेयर करना है अपने लाइटरूम ऐप में। तो आपको अपनी फ़ोटो को शेयर कर लेना अपने लाइटरूम ऐप पर। जैसा कि मैंने अपनी फ़ोटो को लाइटरूम ऐप पर शेयर कर लिया है और सारी सेटिंग कर ली है, तो आपको उस जितनी भी मैंने सेटिंग की है, मैं सारी सेटिंग आपको एक एक करके ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वो सारी सेटिंग अपने फ़ोटो में कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना है लाइट पर क्लिक। लाइट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, जैसा कि मैंने अपनी इस फ़ोटो के कलर के लिए सेटिंग की है, तो आप यही सेटिंग अपनी फ़ोटो में भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा कम या ज़्यादा करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आप इस को लाइट वाली सेटिंग को आप देख लीजिए। फिर आपको जाना है सेकंड वाली कलर वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मिक्स पर। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट वाले कलर में आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। फिर आपको सेकंड कलर दिखाता हूँ, आपको सेकंड कलर को कुछ इस तरह रखना है। फिर आपको जाना है नीले वाले कलर पर, नीले वाले कलर को आपको कुछ इस तरह रखना है। फिर आपको जाना है डार्क ब्लू पर, फिर आपको कुछ इसको इस तरह रखना है। फिर आपको करना है डन। डन करने के बाद आपको जाना है इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर। इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सेटिंग को कुछ इस तरह रखना है। तो आप सेटिंग ध्यान से देख लीजिए। फिर आपको जाना है सेकंड ऑप्शन डिटेल्स पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप सैरपिंग को देख लीजिए। आप सारा सेटिंग अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी फ़ोटो में सेटिंग कर लीजिए। तो जैसा कि मैं आराम से बता रहा हूँ, तो आप सारा सेटिंग ध्यान से देख लीजिए। फिर आपको इसके पास जाना है ऑप्टिक्स पर। इस पर क्लिक करना है और ये जो दोनों ऑप्शन है, इसको एनेबल कर देना है। इतना करने के बाद आपको जाना है शेयर वाले ऑप्शन पर। इस पर जाने के बाद फिर आपको करना है सेव टू डिवाइस। तो सेव टू डिवाइस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपका फ़ोटो आपकी गैलरी में बनकर तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।